हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा शेक जो आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। अक्सर हम मिल्क शेक, बनाना शेक ये बनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाय का शेक जो पीने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही सिंपल सा है, जब भी बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चाय का शेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 20-25 चाय ली है। सबसे पहले मैंने इन्हें बिल्कुल साफ पानी से धो लिया है और धोने के बाद इसे पोंछ लिया है। ये देखिए, आपको बिल्कुल फ्रेश चाय लेनी है और इन्हें अच्छी तरह वॉश करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, चेरी की जो डंडी है इनको अलग करना है और इसके बीच में गुठली होती है। देखिए, हम कट लगाएंगे चेरी पे तो इसके बीच में गुठली निकलती है, हमें उससे इससे अलग करना है। इस तरीके से आपको सारी चेरियों को कट करके बीच में से गुठली को अलग करना है। ये देखिए, सभी चेरी की इस तरीके से आप गुठली निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, बिलीव कीजिए, शेक पीने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर पे कोई भी गेस्ट आने वाले हैं तो एक बार आप इस शेक को जरूर बना के ट्राई कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको सभी चारियों के बीच में से गुठली अलग करनी है। तो चलिए अब हम शेक बनाते हैं। शेक बनाने के लिए मिक्सी का जार लिया है, 1.5 गिलास दूध लिया है, ये मैंने 2 टेबल स्पून खांड ली है और 2 टेबल स्पून मलाई ली है। यहाँ पे मलाई या क्रीम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 20-25 चेरी ली है जिसकी बीच में से गुठलियाँ निकाल ली है। अब मैंने मिक्सी में सबसे पहले चेरी को डाला है। चेरी को ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून खांड डाली है। इसमें आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मलाई ऐड करी है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करनी है तो कीजिए। और इसमें आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं और क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और 1.5 गिलास इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया है। ये देखिए, 1.5 गिलास दूध ऐड करने के बाद एक बार हमें इसे अच्छी तरह मिक्सी में चला लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा चेरी का शेक। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। गिलासों के अंदर मैंने, दोनों गिलास में शेक मैंने डाल दिया है। कुछ इस तरीके से अगर आप सर्व करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आइसक्रीम। ये मैंने केसर पिस्ता आइसक्रीम ली है। आइसक्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ले सकते हैं, केसर पिस्ता भी ले सकते हैं, जो भी आप लाइक करते हैं। ये मैंने केसर पिस्ता आइसक्रीम ली है। पहले आपको गिलास में शेक डालना है। शेक डालने के बाद मैंने इसमें आइसक्रीम ऐड की है। आइसक्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसमें काजू और बादाम, जिसे चॉप करके रख लिया था, वो ऊपर से आपको ऐड करने हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे मत ऐड कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारा चेरी का शेक। और इसकी डेकोरेशन के लिए इस तरीके से हमने चेरी लगा दी है कट करके। एक बार आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको चेरी का शेक पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको चेरी का शेक कैसा लगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ।